रेलवे स्टेशन सिकोहाबाद का है। रेलवे स्टेशन सिकोहाबाद के समीप करोड़ों रुपए की लागत से नहर के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते सिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के द्वारा भूमि माफिया को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वह जमीन को खाली कर दे, लेकिन विधायक मुकेश वर्मा के दिशा निर्देशों का भूमि माफिया पर कोई नहीं पड़ा असर। ऐसा नजर आ रहा है कि भूमि माफिया के आगे प्रशासन भी नर्वस नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। ऐसा मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग एवं भूमाफिया की मिलीभगत के कारण करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे पुल के निर्माण में रोड़ा बन रहे हैं ये दोनों, जबकि स्टेशन रोड से गुजरने वाले लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की वजह से ही पुल का कार्य निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, नहीं हो पा रहा है पुल का पूर्ण कार्य। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला, मैं उजाला एतैसी गौवत स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय सचिव हूँ। यो जो पुल की समस्या है, ये क्या समस्या है? पुल की समस्या ये है कि अभी तक इस पुल का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर दोनों साइड से पुल नहीं, रोड नहीं बन पाई है। इसमें भूमाफियाओं का कब्जा है, जो कि यहाँ का शासन प्रशासन उनके सामने नतमस्तक हो रहा है, और लेन देन का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक रोड बन के दोनों साइड से तैयार नहीं हुई है। वन विभाग के लोग कहते हैं नहर विभाग जाने, नहर विभाग के लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी जाने, पीडब्ल्यूडी नहर विभाग के ऊपर पटक देती है। अभी तक यहाँ से जो है उसको खाली नहीं करा पाई है। क्या नाम है, यहाँ की प्रशासन शासन सब नतमस्तक हो रहा है और पुल अधूरा पड़ा हुआ है। पुल के ऊपर साइड से पहली बारिश हुई, फिर उसका कटाव हो गया, लेकिन अभी तक वो कटाव का भराव भी नहीं हो पाया है, और रोजाना समस्याओं को रखा जा रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट राय रोड मथुरा।